हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इन परसेंटेज जो कंसंट्रेशन होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इन परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ हंड्रेड। यानी परसेंटेज में तीन बातें होती हैं, एक होता है परसेंटेज मास बाय मास, एक होता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और एक फार्मूला होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो तीनों के फार्मूले अलग अलग होते हैं, परसेंटेज मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीनों के फार्मूले अलग अलग हैं। तो पहला जो फार्मूला है परसेंटेज मास बाय मास, इसी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, परसेंटेज मास बाय मास या केवल बाय मास भी कहते हैं इसको। इसका फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फार्मूला रहता है। दूसरा फार्मूला है बच्चों परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों ही मास हैं, तो जो यूनिट ऊपर रखेंगे वही यूनिट नीचे रखेंगे। ऊपर किलोग्राम में रखा है तो नीचे जो सॉल्यूशन का मास रखेंगे वो भी किलोग्राम में रखेंगे, ऊपर अगर ग्राम में रखा है तो नीचे भी ग्राम में रखेंगे। यहाँ पर दोनों अलग अलग यूनिट के हैं सब्सटेंस, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, इसके साथ हम लोग रखेंगे आपका ग्राम पर ml, ऊपर अगर ग्राम में रखा है तो नीचे ml में रखेंगे वॉल्यूम, ऊपर अगर किलोग्राम में रखा है तो नीचे लीटर रखेंगे। ध्यान रखना ये आपको कि किस यूनिट के साथ कौन सी यूनिट रखना है। और तीसरा फॉर्मूला होता है परसेंटेज का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया रहेगा इस तरह से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपका कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ये तीनों फार्मूले आपको करना रहेगा। आपको ध्यान में रखना है कि फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूट लिखा है कि सॉल्यूशन लिखा है, उसके हिसाब से हमको इसका जवाब देना है। परसेंटेज के बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और पीपीएम। पहले पीपीएम को लेते हैं, कंसंट्रेशन इन पीपीएम, इन पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, कंसंट्रेशन इन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। मतलब 10 लाख अमाउंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। इस पीपीएम का हम इस्तेमाल तभी करते हैं जब आपका सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, यानी ट्रेसेस के फॉर्म में हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन इन पीपीएम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो इस तरह से कंसंट्रेशन इन पीपीएम निकल करके आ जाएगा। उसके बाद में एक होता है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी भी लगभग मोलरिटी की तरह रहती है। जैसे मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ फार्मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। नंबर ऑफ फार्मोल्स का मतलब क्या है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता था वैसे ही नंबर ऑफ फार्मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता था गिविंग मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ जो फार्मोल्स है उसका फार्मूला भी ऐसे ही रहेगा, नंबर ऑफ फार्मोल्स बराबर गिविंग मास अपॉन फार्मूला मास, गिविंग मास अपॉन फार्मूला मास। तो ये फार्मूला मास क्या होता है बच्चों, फार्मूला मास ये भी एक प्रकार से मॉलिक्यूलर मास जैसा ही होता है, फर्क खाली इतना है कि जो फॉर्मेलिटी है
उसका हम इस्तेमाल आयनिक कंपाउंड के लिए करते हैं। जो कंपाउंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनके लिए हम फॉर्मेलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज मोलरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, बस खाली शब्दों का फर्क है। मोलरिटी का इस्तेमाल जब कोई मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फॉर्मेलिटी का इस्तेमाल जब कोई कंपाउंड क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड मोलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए सोडियम क्लोराइड के लिए हम फॉर्मेलिटी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम आएगी, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है उनके लिए हम फॉर्मेलिटी शब्द का इस्तेमाल करेंगे और जो कंपाउंड मोलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए मोलरिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, सब कुछ वही लगेगा, उस खाली शब्दों का फर्क है। जो यहाँ पर शब्द दिए हैं, जैसे वहाँ पर लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फॉर्मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता था गिविन मास अपान मोलर मास, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स का फॉर्मूला होता है गिविन मास अपान फॉर्मूला मास। बस खाली इतना ही फर्क है, बाकी ये चीज़ें भी सेम ही रहती है। उसके बाद बच्चों अब जो हमारा अगला टर्म है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और जो नॉर्मेलिटी है इसमें काफ़ी आपका वाइड है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो देखिए नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, नॉर्मेलिटी जो रहती है इसका, इसको कैपिटल एन से नोट करते हैं। नॉर्मेलिटी बराबर फार्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इज नोन एज नॉर्मेलिटी। इसको नॉर्मेलिटी कहते हैं, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब गिविन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और आपका वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो वॉल्यूम को लीटर में चेंज करना है, इसको हम क्या करेंगे, अगर ml में दिया है तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, अगर ml में दिया, लीटर में दिया है तो वैसे रखा रहने देंगे, और अगर ml में दिया है, मान लीजिए ml में है ये, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आपका लीटर में बन जाएगा। और पहले से लीटर में है तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा w अपान e इंटू 1000 अपान v। ये फार्मूला बन गया हमारा, एन बराबर नॉर्मेलिटी बराबर नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू इंटू 1000 अपान ई इंटू वी। यहाँ पर जो वी है वो एम एल में है, क्योंकि हमने 1000 डिवाइड करके लीटर बना दिया है। ये जो फार्मूला है ये नॉर्मेलिटी निकालने का मतलब है। डब्ल्यू का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, डब्ल्यू का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और E का मतलब है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ये E का मतलब है। तो इस तरीके से आपका V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी जान लो, V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला, n का मतलब है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी बराबर w इंटू 1000 अपान e इंटू v। यहाँ पर जो e है वो निकालना इंपॉर्टेंट है, e का मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास बच्चों कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट मास के बारे में हम जानकारी करेंगे, क्योंकि जब तक e नहीं निकलेगा तब तक हमको नॉर्मेलिटी नहीं पता चल पाएगी। तो e का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास, जो E है इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट मास, E का मतलब है इक्विवेलेंट मास हम लोग कहते हैं E को। जो इक्विवेलेंट मास होता है वो हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। इक्विवेलेंट मास जो है, जैसे कि मान लीजिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, किसी एसिड का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो एसिड का इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है ई बराबर, हम इक्विवेलेंट मास को इस नोट कर रहे हैं, तो एसिड का इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास ऑफ दैट एसिड अपॉन
एन फैक्टर तो एन फैक्टर एसिड के लिए क्या होता है, एन फैक्टर फॉर एसिड, कोई एसिड है उसका एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर ऑफ एसिड मींस बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, बेसिटी ऑफ दैट एसिड यानी एसिड की बेसिटी, और बेसिटी का मतलब है आर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयंस इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एच प्लस आयंस रिप्लेस हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बेसिटी। तो बेसिटी का मतलब वही है जो हम एन फैक्टर एसिड के लिए कह रहे हैं, वही बेसिटी है, और बेसिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस इन वन मॉलिक्यूल, एक जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एच प्लस रिप्लेस हो रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर। और ये हमको अगर एन फैक्टर पता चल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो एन फैक्टर का मतलब एक्चुअल में क्या है, बेसिटी है, एसिड की बेसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है, तो एन फैक्टर का मतलब है बेसिटी। और बेसिटी निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, ध्यान में रखना है कि अगर आपको किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, यानी एन फैक्टर को मतलब बोलते हैं बेसिटी, और बेसिटी को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कुछ एसिड के इक्विवेलेंट मास निकालना बता रहे हैं, तो किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है, जैसे कहा जाए इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का अगर हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो E बराबर मोलर मास ऑफ H2SO4 अपॉन इस H2SO4 की बेसिसिटी। तो यहाँ पर अगर हमको मोलर मास निकालना है तो E बराबर H2SO4 का मोलर मास होता है 98 और उसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है 2, तो ये इक्विवेलेंट मास निकल आएगा 49। किस तरीके से इक्विवेलेंट मास निकल आएगा, अगर हम ऐसे ही कहें कि HCl है इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो E बराबर इसका मोलर मास H का 1, Cl का 35.5, दोनों को जोड़ देंगे और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन है 1, इसका मतलब 36.5/1 यानी आंसर 36.5 आ जाएगा। इस तरह से HCl का इक्विवेलेंट मास ये निकल आया, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास ये निकल आया। तो इस तरीके से बच्चों कितने रिप्लेसेबल एच आयन है ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना रहता है। जैसे आपका अगला है, कहा जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COOH का एक एसिटिक एसिड जो है इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिटिक एसिड अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले एसिटिक एसिड का हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा जो कि होता है 60। यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 1। अब आप कहेंगे यहाँ पर 3, 1, 4 हैं, हाइड्रोजन तो 4 हैं लेकिन रिप्लेस होने वाला केवल एक ही है, वही एन फैक्टर होता है। बच्चों इसका इक्विवेलेंट मास 60 आया। यही क्यों रिप्लेस हो रहा है, क्योंकि आपने रिएक्शन पढ़ा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम है CH3COONa और प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, इस फार्मूले में 3H लगे हुए खाली 1H रिप्लेस हो रहा है, तो जो रिप्लेस होने वाला H है वही यहाँ पर रखा जाता है, इसलिए एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट मास इतना आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मास एक फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, इक्विवेलेंट मास रिएक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। किसी कंपाउंड का हो सकता है कि एन फैक्टर अलग हो और जब कोई दूसरा रिएक्शन दिया हो तो उसमें एन फैक्टर अलग हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट मास आपकी फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे एटॉमिक मास फिक्स प्रॉपर्टी है, आपका एटॉमिक नंबर फिक्स प्रॉपर्टी है, लेकिन इक्विवेलेंट मास फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों, देखो रिएक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर रिएक्शन में कितने चीज रिप्लेस हो रहे हैं ये देखने पर पता लगेगा, लेकिन अगर रिएक्शन नहीं दिया है तो जो हम बता रहे हैं आपको वही वैल्यू रखनी है। ठीक है, जैसे कि आपका कहा जाए इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, इसका इक्विवेलेंट मास हमको अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमको अगर E निकालना है EH3PO4 का, तो सबसे पहले उसका हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो H का होता है एटॉमिक मास 1 × 3 एटम है,
फास्फोरस का होता है बच्चों 31:1 और ऑक्सीजन का होता है 16:4। इन सबको सॉल्व करेंगे तो मोलर मास निकल आएगा। इसमें एन फैक्टर कितना है 3, इससे डिवाइड कर देंगे, इस तरह से आपका ये H3PO4 का इक्विवेलेंट मास निकल करके आ जाएगा। बस खाली मल्टीप्लाई करके सॉल्व ही करना है, इसको डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 31 प्लस हो जाएगा 64/3, इसको सबको ऐड करेंगे 415538 यानी 8 हो गया 69/98/3, इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका निकल आएगा 32.99 के आसपास। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं एसिड का। अब कुछ क्वेश्चंस और एसिड के निकालने के लिए, जैसे कहा जाए H3PO4 के अलावा H3PO3 का इक्विवेलेंट मास निकालना है और H3PO2 का इक्विवेलेंट मास निकालना है। अब यहाँ पर देखो, अगर हमको ये चीज़ नहीं क्लियर है तो हम इस तरह के सवाल गलत कर देंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट मास में जो वेसिटी है, जो आपका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, वो जरूरी नहीं जितने होते हैं उतने ही रिप्लेस हों, उससे कम भी हो सकते हैं। जैसे इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकाला जाए तो E बराबर आएगा इसका मोलर मास 1:3 प्लस फास्फोरस का 31 प्लस 16:3 लिया जाएगा, और यहाँ पर टोटल H है 3 लेकिन हम डिवाइड 2 से करेंगे क्योंकि रिप्लेसेबल 2 होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 3 प्लस 31 प्लस 16:3 = 48/2। ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल आएगा आंसर, कितना हो जाएगा 8/1/9/9/3/12/1/5/3/8/82/2 यानी ये हो जाएगा 41। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका इक्विवेलेंट मास निकल आएगा। यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है H3PO2 का, और ये है आपका H3PO3 का। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास जब निकलेगा तो यहाँ पर 1:3 आएगा, P का 31 आएगा और प्लस O का 16:2 आएगा, और यहाँ पर जो रिप्लेस यहाँ पर टोटल है 3 लेकिन यहाँ पर नीचे रखेंगे 1, यहाँ पर 3 बन जा 3 प्लस 31 और प्लस आपका 32/1, तो ये हुआ 2 1 3 3 6 66/1 यानी 66 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास का मतलब ये नहीं कि जितने उसमें हाइड्रोजन होते हैं, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं उसी को बोलते हैं बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का मतलब है एसिड के वो हाइड्रोजन आयन जो रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं उस एसिड की बेसिसिटी, और यही होता है फार्मूले में। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर इस एसिड में 3H है लेकिन रिप्लेस केवल 2 ही हो रहे हैं, जबकि इस एसिड में 3 है रिप्लेस खाली 1 हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी कभी आपका आ जाए H3PO4 आ जाए तो उसमें रिप्लेस होने वाले कितने हैं, इसमें रिप्लेस होने वाले हैं H3PO4 में, जो H3PO4 है इसमें रिप्लेस होने वाले टोटल 3 के तीनों हैं रिप्लेस हो रहे हैं, यहाँ पर रिप्लेस 2 हो रहे हैं और यहाँ पर रिप्लेस 1 हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि रिप्लेस कितने होने वाले हैं। एक्चुअल में कैसे आपको पता लगता है कि कितने कितने रिप्लेस हो रहे हैं बच्चों, इस बात की जानकारी आपको तब और क्लियर होगी जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ोगे तब। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भी आगे है 2-3 चैप्टर बाद, तो उस चैप्टर में मतलब जब हम डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी हम आपको उसका रीजन बता देते हैं। इसको अभी आप समझने की ज़्यादा कोशिश मत करिएगा क्योंकि अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, तब ये बात और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए एन फैक्टर जो हम बता रहे हैं कि जो बेसिटी है, हमें कैसे पता लगेगा कि किस एसिड में कितने रिप्लेस होंगे, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिस एसिड में जितने ऑक्सीजन डायरेक्ट हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं उतने ही रिप्लेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे थे एसिटिक एसिड की, CH3COH में, तो यहाँ पर 3H 4H हैं लेकिन रिप्लेस 2 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है। अगर आपने 10th क्लास में बनाया होगा तो आप जान जाओगे CH3C(OH). यहाँ पर देख रहे हैं खाली एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं वही रिप्लेस होते हैं, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए रिप्लेस नहीं होंगे, ये रिप्लेस होगा, इसलिए इसका जो एन फैक्टर है कितना होगा बच्चों 1, इसका एन फैक्टर 1 कहा जाएगा। ऐसे ही H3PO4 में कितने रिप्लेस होंगे ये हमको उसके डायग्राम बनाने से पता चलेगा। PO4 का हम जब डायग्राम बनाएंगे, अभी आपने डायग्राम बनाना शायद नहीं सीखा होगा क्योंकि ये डायग्राम बनाना आपका केमिकल बॉन्डिंग में है, उसके बाद में यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहता है
H3O4। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तीन एटम डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो तीन हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच हैं, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया बच्चों, इसका एन फैक्टर हो गया 3। ये कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अब हम बता रहे हैं कि H3PO3, यहाँ पर तो तीन थे, तीन रिप्लेस हो गए, कोई वही बात लिख रही, यहाँ पर जरूर थोड़ा समझ में आने वाली बात है। उसके बाद में H3PO3, इसमें तीन हैं तो रिप्लेस दो ही क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन है, उसका डायग्राम एक PO3 आपका H H H, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आपका दो हाइड्रोजन केवल डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, बाकी ये हाइड्रोजन फास्फोरस से अटैच है, इसलिए ये रिप्लेस नहीं होगा, यही दो रिप्लेस होंगे, इसलिए यहाँ पर इसका जो एन फैक्टर है बच्चों वो कितना हो जाएगा, इस आपका एन फैक्टर हो जाएगा 2, यानी दो हाइड्रोजन इसमें रिप्लेस हो जाएंगे, इसकी बेसिटी हो जाएगी 2। इसी तरह से बच्चों H3PO2, यहाँ पर तीन एच दिख रहे हैं, रिप्लेस एक क्यों होता है, उसका भी आंसर है यहाँ पर, इसका रीजन PO, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो H3PO2 क्या देख रहे हैं, यहाँ पर केवल ये जो आपका हाइड्रोजन है वही केवल ऑक्सीजन से अटैच है, बाकी दो हाइड्रोजन फास्फोरस से अटैच हैं, इससे रिप्लेस नहीं होंगे, इसलिए इसका जो एन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से हमको जब तक ये नहीं पता लगता है कि उस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, तब तक हम इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल सकते, जब तक इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम नॉर्मेलिटी भी ठीक से नहीं निकाल सकते, इससे नॉर्मेलिटी के लिए ये इक्विवेलेंट मास का निकालना जरूरी हो जाता है, इसलिए नॉर्मेलिटी थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाकी मोलरिटी मोलरिटी के कंपैरिजन है। तो बच्चों ये हमने क्या देखा कि किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास इस तरीके से निकलता है, लेकिन क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि एसिड दिया जाए, बेस भी दिया जा सकता है, साल्ट भी दिया जा सकता है, जब बेस और साल्ट दिया जाएगा तब उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेंगे, तो आज हम निकालना बता रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, कोई भी बेस दिया हो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस बराबर मोलर मास ऑफ दैट बेस, मोलर मास ऑफ दैट बेस, जो भी बेस आपको जिसका निकालना है, अपॉन उस मास, उस बेस का एसिडिटी, एसिडिटी मतलब यही क्या है, एन फैक्टर भी है, यानी बेस का जो एन फैक्टर है उसको बोलते हैं हम लोग एसिडिटी, और एसिड का जो एन फैक्टर है उसको बोलते हैं बेसिटी, और एसिडिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस और नंबर ऑफ एसेप्टेबल एच प्लस आयंस, क्लियर। तो ये आपका फार्मूला है किसी बेस का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, जैसे कहा जाए आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए पहले इसका मोलर मास निकालेंगे, सोडियम का मास एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, एच का होता है 1, इन सबको जोड़ेंगे अपॉन इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी है वो कितनी है, 1, क्योंकि इसमें OH 1 है, इसलिए ऊपर हो जाएगा 40 अपॉन 1, यानी हो जाएगा 40, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 40। अगर हमको इक्विवेलेंट मास निकालना हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो CaOH का होल ट्वाइस करके कैल्शियम का मास होता है आपका 40 प्लस 2 आउट ऑफ ब्रैकेट O का होता है 16, H का होता है 1, यह आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकलाया, नंबर ऑफ OH कितने हैं 2, क्योंकि हमने बोला है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस और नंबर ऑफ एसेप्टेबल एच प्लस आयंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और प्लस 17 और 2 जा 34, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 74 अपॉन 2, यानी 37 आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास। इस तरह से क्या देख रहे हैं, किसी भी बेस का इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला है मोलर मास ऑफ दैट बेस अपॉन उस बेस की एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच आयन, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन लिखा, जहाँ पर OH दिया हो, कई बार क्या हो किसी बेस में आपका OH नहीं लिखा रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए नंबर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का अगर इक्विवेलेंट बेस निकालना है तो अमोनिया क्या करता है आपका एक H प्लस को गेन करके आपका अमोनियम आयन बना लेगा, जो कि आपका बेस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर अगर हमको अमोनिया का इक्विवेलेंट बेस निकालना है, तो अमोनिया का इक्विवेलेंट बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू मोलर मास, मोलर मास कितना है इसका 17, और नंबर ऑफ कितने एक्सेप्ट किया उसमें 1, तो ये आपका हो जाएगा 17 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया। इस तरीके से हम किसी भी बेस का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। उसके बाद बेस के बाद आता है, आप मान लो एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, अगर कोई सॉल्ट दिया है इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्ट का मोलर मास निकालेंगे जैसे एसिड और बेस निकालते थे, अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव आर नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव आर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम क्लोराइड का अगर हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो सोडियम क्लोराइड चूंकि साल्ट है इसमें ना एच आयन है ना ओ एच आयन है तो हमको इसका मास निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो मोलर मास का कितना हो जाएगा, एन ए का होता है 23, सी एल का हो जाएगा 35.5, और इसमें कितना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या तो पॉजिटिव ले लो या निगेटिव ले लो, यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर एन ए के ऊपर प्लस वन चार्ज है, सी एल के ऊपर माइनस वन, तो कोई भी एक चार्ज ले लेना है पॉजिटिव और निगेटिव, ये हो जाएगा आपका 58.5 अपॉन 1, ये आ जाएगा 58.5। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट मास सोडियम कार्बोनेट निकल आया। अब हमको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ, आपको निकालना है मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे मान लो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का साल्ट है तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मोलर मास रखेंगे, एम जी का मास होता है 24, सी एल का होता है आपका 35.5 इंटू 2 एटम है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन टोटल चार्ज कितना है 2, तो फिर मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है 2 लेकिन सीएल के ऊपर होता है चार्ज 1। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज को लेकर के, जब चार्ज अलग अलग होते हैं, हमने बोला नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो 2 आएंगे, नेगेटिव लेंगे तो फिर 1 आएगा, तो क्या सही होगा, तो यहाँ पर एक्चुअली में चार्ज दोनों बराबर होते हैं, खाली देखने का नजरिया अलग है। यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज 2 है, कंपाउंड चूंकि न्यूट्रल होता है, सीएल के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर सीएल 2 होंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, यानी चार्ज हमेशा बराबर रहते हैं, तो यहाँ पर चाहे प्लस से डिवाइड करो चाहे माइनस से डिवाइड करो, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको लिखनी, केवल साइन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये 71 और प्लस 24 और नीचे हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 71 और 4 75 85 95 95 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे, ये निकल आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास निकालने का ये तरीका रहता है। ऐसे हम किसी भी साल्ट का, कोई भी साल्ट हमको दिया जाए छोटा या बड़ा, तो अगर हमको सही सही चीज़ पता है हम उस साल्ट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। जैसे हमसे कहा जाए इक्विवेलेंट मास ऑफ FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। अब ये सॉल्ट है, इसका हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो अब ये कंपाउंड बड़ा हो गया, कॉन्सेप्ट वही है, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास, इसका पूरे का मोलर मास निकाल लेंगे, हमने मान लिया M, ठीक है, और उसके बाद में इसमें कितने पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर देखो Fe के ऊपर प्लस 2 चार्ज है, इधर ये अमोनियम के ऊपर चार्ज 1 होता था, 2 पॉजिटिव यहाँ से मिला, 2 पॉजिटिव यहाँ से मिला, टोटल चार्ज कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा एम बाई 4। इक्विवेलेंट मास जितना भी मोलर मास आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा इक्विवेलेंट मास आएगा वही इक्विवेलेंट मास होगा, यहाँ पर वाटर का H+ को काउंट नहीं करते। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में एक चीज और होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जब हमने पहले चैप्टर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, तो वहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम के दो कांसेप्ट पढ़े थे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जब अगर हमारा कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को तो रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है उसका अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम देखते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है, उससे डिवाइड कर देते हैं। ये भी अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, ये हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, तब जा करके हम सवाल कर पाएंगे। लेकिन हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर हमको कहा जाए कि K-NO4 है जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कंपाउंड MnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमको KNO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना है। मान लीजिए तो KNO4 का जो इक्विवेलेंट मास है तो E बराबर मोलर मास हमको KNO4 का निकालना पड़ेगा। हमने मान लिया मोलर मास निकला है M, फिर क्या कह रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी जो उसका एक मॉलिक्यूल उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालना पता है तो जान सकते हो, नहीं तो आप रिडॉक्स रिएक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर सीखेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। कितने का चेंज हो रहा है, पहले 7 था बाद में 2 हो गया, चेंज कितने का हुआ 5 का। तो ये हम इक्विवेलेंट मास किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का हम इक्विवेलेंट मास इस तरीके से निकाल सकते हैं M/5, यानी आपका इसमें चेंज हुआ, यानी यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर 7 था, 7 से 2 हो गया, यानी चेंज हुआ हमारा 5 का। तो इस तरह से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब हमने एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला, कंपाउंड जब न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो उसमें एसिड भी दे सकता है, बेस भी दे सकता है, साल्ट भी दे सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट भी दे सकता है, और उसके बाद में आपका ये भी दे सकता है किसी आयन का। मान लो किसी आयन का इक्विवेलेंट मास निकालना है, मान लो कॉपर आयन का हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो ई बराबर हम क्या करेंगे कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, जितना उसके ऊपर चार है तो उसे डिवाइड कर दिया, इक्विवेलेंट मास निकल आया। मान लीजिए कि हमको सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट मास निकालना है, सल्फेट आयन का, तो क्या करेंगे ई बराबर सल्फेट आयन का मोलर मास निकाल लेंगे। सबसे पहले सल्फर का कितना होता है 32, ओ का कितना होता है 16×4, उसके बाद में जितना चार है टू टू से डिवाइड कर दिया, इक्विवेलेंट मास निकल आया। तो इस तरीके से हम अगर हमको मान लो अमोनियम आयन है, इसका हमको अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा E बराबर इस पूरे का इक्विवेलेंट मास, यानी N का कितना है आपका 14 और ऐसे कितना है 4+8 4, और इस तरीके से आपका ये 1 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से इक्विवेलेंट मास हमारा निकल आएगा अमोनियम आयन का। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो आपका एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे साल्ट हो, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, चाहे वो आयन्स हो, तो इस तरीके से जब तक हम ई नहीं पूरी तरह से निकाल पाएंगे तब तक हम नॉर्मेलिटी निकालने के क्वेश्चन में फंसते रहेंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए ई का होना जरूरी है। ठीक है, तो ई हमको निकल आएगा तो नॉर्मेलिटी निकलने के चांसेस रहते हैं। इस तरीके से बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट मास, और जब इक्विवेलेंट मास निकल आएगा तो फिर हमको नॉर्मेलिटी भी निकल करके आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मेलिटी के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे नॉर्मेलिटी इक्वेशन रहता है। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या रहता है बच्चों, नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वेशन में क्या रहता है कि जब मान लीजिए कि हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, उनको आपस में अगर मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी ये हमको पता करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक हमको बिफोर सॉल्यूशन मिक्सिंग के बाद और एक मिक्सिंग के पहले ये हम कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए, और उसमें हमने बी सॉल्यूशन मिला दिया, और उसके बाद में जो हमारा सॉल्यूशन ए बी बनकर के तैयार हुआ, तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए इसकी नॉर्मेलिटी है हमारी N1V1 और इसकी नॉर्मेलिटी है N2V2, तो हमको जो इसकी जो नॉर्मेलिटी आएगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसकी नॉर्मेलिटी हमने मान लिया N, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वॉल्यूम, यानी V1+V2 वॉल्यूम जुड़ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करके नॉर्मेलिटी इक्वेशन की हेल्प से जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी हम निकाल सकते हैं N1V1+N2V2 और N V1+V2, यानी ये क्या है आपका सॉल्यूशन की पूरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, और ये हमको जब मिक्स कर रहे हैं उसकी नॉर्मेलिटी। अगर कहीं पर एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो रहे हों, एसिड एंड बेस दिए हों, एसिड और बेस दिए हों, तब वहां पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर N1V1=N2V2, यानी दोनों को न्यूट्रलाइजेशन के लिए N1V1=N2V2, ये फार न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, फार न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये फार्मूला लगेगा। N1V1
प्लस टू एन वन एन टू, ठीक है। ये मान लो एसिड अगर हमने मान लेंगे इधर, तो ये मान लेंगे बेस, क्लियर। अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, एन वन वी वन और एन टू वी टू, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर बराबर आ गया तो उसको हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो गई। और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो जो चीज़ ज़्यादा है सॉल्यूशन का नेचर वैसे ही हो जाएगा। अगर एसिड ज़्यादा है तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक हो जाएगा, और अगर बेस ज़्यादा है तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो नॉर्मेलिटी क्वेश्चन के हमसे हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की। इस पर हम निवेदन लगाएंगे बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद कुछ निवेदन भी फिर करेंगे, उसके बाद अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट होता है बच्चों कि कोई रिएक्शन दिया हुआ हो, यानी जो केमिकल रिएक्शन दिए हैं, तो केमिकल रिएक्शन से हम कैसे सॉल्व करते हैं। केमिकल रिएक्शन, तो जो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, उस केमिकल रिएक्शन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में हमको तीन बातें बता देती हैं। एक होता है मास, मास के लिए सिर्फ मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। जैसे अगर हमको कहा जाए कि कोई रिएक्शन है, कहा जाए व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन, व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन इफ वी हीटेड हीटेड 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहले हमको रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कराया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सबसे पहले हमको रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। कैल्शियम का वन एटम है, कैल्शियम का वन एटम कार्बन वन है, कार्बन वन ऑक्सीजन टू वन थ्री थ्री, यानी रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ता है। फिर उसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका वन मोल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, वन मोल है, ये भी वन मोल है और ये भी वन मोल है। हमको रिएक्शन किससे पूछा है, कैल्शियम ऑक्साइड की बात पूछा गया है, ये इतना गिवन है, यानी इसके और इसके बीच रिलेशन है, इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब ये इसके एक मोल है, इसका भी एक मोल है। अब मोल नंबर ऑफ मोल बराबर गिविंग मास अपॉन मोलर मास लगा देंगे, तो नंबर ऑफ मोल है वन, गिविंग मास कितना है कैल्शियम ऑक्साइड का ये, और मोलर मास कितना है ये, तो हमको इसका मास कितना है ये हमको पता नहीं, ठीक है। मोलर मास इसका कितना है 100 कैसे है, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 × 3, तो सब मिला करके आ जाएगा 100। तो जो W निकल आया वो 100 ग्राम निकल आया, मतलब एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम के बराबर है। ऐसे यहाँ पर भी लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिविंग मास अपॉन मोलर मास, कैल्शियम का होता है आपका 40 और इसका होता है 16, तो ये आपका W बराबर हो जाएगा 56 ग्राम और ये W बराबर हो जाएगा 100 ग्राम। इतनी बात हम जान गए। जब हमको ये बात पता चल गई तो फिर हम इनसे रिलेशन डेवलप कर लेंगे कि भाई ये कितना कितना बन रहा है। तो क्या रिएक्शन रहेगा, यहाँ पर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करते हैं तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है गर्म करने पर। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ये रिएक्शन कह रहा है कि अगर हम जब कभी भी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे तो हमेशा 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, यही हमको करना है। सिंस वेन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन वी गेट 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 56 अपॉन 100, 50 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। हमारे क्वेश्चन में कितना पूछा गया है 150 ग्राम, तो 150 ग्राम जो है वो आपका चेंज होगा, तो 150 ग्राम के लिए हम 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 56 अपॉन 100 इंटू 150, सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 आ गया,
टू से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 28, 2 या 56, यानी हमारा आ गया 38 या 24, कैरी ओवर 2, 3, 2 या 6, 2, 8, यानी 84 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेंड इफ वी हीटेड 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो हमारा आंसर आया, इसमें हमने क्या देखा कि हमको कैल्शियम ऑक्साइड का मास पूछा गया है और कैल्शियम कार्बोनेट का भी मास दिया है। तो जब इस तरह का जब जो पूछा गया है वो भी मास है और जो निकालना है वो भी मास है, तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है इसको बोलते हैं बच्चों मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं रिलेशनशिप। तो ये मास मास रिलेशनशिप होती है। ऐसे ही बच्चों कई बार जरूरी नहीं कैल्शियम ऑक्साइड या आपकी मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछ सकते थे। तो यहाँ पर आपका जो ऐसा रिलेशन रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और कई बार ऐसा भी रहेगा कि वॉल्यूम भी दिया रहेगा पूछा भी क्या रहेगा, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो तीन तरह के आपके जो न्यूमेरिकल इसमें रहेंगे, एक मास मास, एक मास वॉल्यूम और एक वॉल्यूम वॉल्यूम। ठीक है, तो मास मास में मतलब मास दिया रहेगा मास पूछा जाएगा, मास वॉल्यूम में हो सकता है कि मास दिया हो वॉल्यूम पूछा जाए, या हो सकता है वॉल्यूम दिया हो मास पूछा जाए, वॉल्यूम वॉल्यूम में दोनों वॉल्यूम रहेंगे। तो इस तरीके के जो सवाल आपके रहेंगे उसमें हमें ये बात ध्यान रखना है कि जो एनटीपी पर रहता है वो हमेशा एक मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है। जैसे ये कहा जाए कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेंड आफ्टर हीटिंग 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट एनटीपी। ऐसे क्वेश्चन में एनटीपी लिखा रहेगा, क्योंकि ये हम जानते हैं रिलेशन मास और वॉल्यूम का जो रिलेशन है उसमें एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, रिएक्शन फिर वही इस्तेमाल होगा, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पर एक मोल दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक मोल दिया हुआ है और ये भी एक मोल है, लेकिन हमको अब इसके बारे में नहीं पूछा, हमको खाली ये पूछा गया है। अब रिलेशन कैसा है, वॉल्यूम है और ये मास है, तो ये रिलेशन किस तरीके का है, ये रिलेशन है भाई मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है आपका ये। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब जब एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट है कितने ग्राम के बराबर है, 100 ग्राम के बराबर, जैसे हमने पिछली बार देखा था। अब की जो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड ये 44 ग्राम के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर इसका हमको वॉल्यूम लेना है, तो एक मोल का जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं 22.4 लीटर। पीछे हमने पढ़ा था भाई कि कोई भी गैस होती है उसके एक मोल का वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का इतना वॉल्यूम मिलता है, तो 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मिलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन वी गेट 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए 1 ग्राम से करेंगे ये हो जाएगा 22.4 अपॉन 100, और जब करेंगे आपका 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर ये हो जाएगा आपका 22.4 अपॉन 100 इंटू 150। काट पीट दो इसको, ये आ जाएगा 53 जा 52 जा 2 आ गया, 2 से कैंसिल कर दिया, 11.2 हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 33.6 लीटर, ये आंसर आ गया। तो ऐसा जो रिलेशनशिप होता है बच्चों उसको कहते हैं हम लोग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और जब वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप आएगा तो दोनों जगह पर आपका वॉल्यूम लिखा रहेगा, आपको वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में यही करना है कि दोनों बार आपको वॉल्यूम लेना है।
वॉल्यूम वॉल्यूम में हमको दोनों बार वॉल्यूम भी लेना है, लेकिन व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल बी ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड व्हेन टू लीटर ऑफ अमोनिया इज हीटेड एट एनटीपी। एनटीपी हमको दिया हुआ है अमोनिया को हीट करना है, तो अमोनिया को जब हीट करते हैं तो आपको बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनती है अमोनिया को हीट करने पर, क्योंकि अमोनिया गैस खुद इनसे बनी हुई है, उसको गर्म करेंगे तो ये आपका दो गैसों में टूट जाएगी। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा ये, यानी अमोनिया गर्म करने पर ये बनेगा। इसके दो मोल हैं, इसका वन मोल है और इसके तीन मोल हैं। हमको रिलेशन नाइट्रोजन और अमोनिया में कहा गया है तो हाइड्रोजन को हम इग्नोर कर देंगे। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब देखो इसका टू मोल है तो टू मोल, एक मोल अमोनिया का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो 2 × 22.4 लीटर यानी कितना वॉल्यूम अमोनिया का है, और नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम है 22.4 लीटर। अब देखिए ये हो जाएगा 44.8, तो 44.8 लीटर अमोनिया गिव्स 22.4 लीटर नाइट्रोजन। तो 1 लीटर में कितना होगा कि 2 लीटर में, तो 2 लीटर अमोनिया गिव्स, पहले एक का करेंगे हम तो 22.4 upon 44.8, ये 1 का हो गया इंटू 2 का हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 से 2 यानी आंसर आ गया 1, यानी 1 लीटर हमको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 लीटर अमोनिया गर्म करेंगे तो हमें 1 लीटर नाइट्रोजन गैस मिलेगी। तो इस तरीके से इस रिलेशनशिप को हम लोग बच्चों कहते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों वॉल्यूम में होना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि 1 लीटर गैस का वॉल्यूम एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कुछ मिलेंगे। उसके बाद फिर आपका अगर रिएक्टेंट, अभी तक जो हमने बोला रिएक्टेंट खाली एक ही था, प्रोडक्ट 2 थे, लेकिन जब रिएक्टेंट 2 हों या 2 से ज़्यादा हों तो फिर वहाँ पर हमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है जो सब्सटेंस कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए ड्यूरिंग रिएक्शन आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? तो लिमिटिंग रिएजेंट वो सब्सटेंस है जो पूरे रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। द सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिएक्शन आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? एंड द अदर सब्सटेंस, एंड द अदर सब्सटेंस is known as excess reagent, excess reagent. Product formation depends upon the product formation depends upon the limiting reagent,
इसलिए लिमिटिंग एजेंट का जानना जरूरी है। अगर लिमिटिंग एजेंट हमको नहीं पता रहेगा तो फिर हम प्रोडक्ट का जो सब्सटेंस निकालेंगे वो गलत निकल करके आएगा। इसका मतलब वो सब्सटेंस जो पूरे रिएक्शन के दौरान पूरा इस्तेमाल हो जाए उसको हम कहते हैं लिमिटिंग एजेंट, और जो पूरा इस्तेमाल ना हो पाए जो थोड़ा बहुत बच जाए उसको कहते हैं हम लोग एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो जनरली हमारे पास दो अगर हमारे रिएक्टेंट हैं तो दो रिएक्टेंट में अगर एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो बात पूरा जो सब्सटेंस पूरा कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में उसको कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो एक्स्ट्रा बच जाए उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट जो है ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। अब हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको निकालना सीखेंगे क्या इसका मतलब, थ्योरी वाला पार्ट था भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालते कैसे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले इसकी डिफिनेशन नए समझ में आए लेकिन निकालते कैसे ये जरूर जाना चाहिए। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो पूरा कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में। ठीक है, जैसे कहा जाए व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म या वाटर इज फॉर्म, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म इफ 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 10 ग्राम ऑक्सीजन। मतलब पूछा गया है व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म। अब की हमारा क्या है रिएक्टेंट साइड में दो चीजें हैं, कौन कौन सी, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर बन रहा है। अब हमको 10 ग्राम दिया हुआ हाइड्रोजन और 10 ग्राम दिया दिया हमको ऑक्सीजन, और हमको पूछा है कि वाटर का अमाउंट कितना बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यानी रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम है तो इसको लगाने के लिए 2 कर दिया, ये भैया रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। अब जब रिएक्शन बैलेंस हो गया तो हमको अब यहाँ पर दोनों का रिएक्शन हो रहा है और हमको लिमिटिंग एजेंट ढूंढना है। तो लिमिटिंग एजेंट में हमको 10 ग्राम हाइड्रोजन 10 ग्राम ऑक्सीजन दोनों क्वांटिटी दी है। ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग भी हो सकती है, हमने एक ऐसे न्यूमेरिकल ले लिया जिसमें दोनों को सेम कर दिया है, बाकी अलग अलग भी ले सकते हैं। तो अब कहा गया कि अब यहाँ पर देखो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, इसके 2 मोल हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये 2 मोल है ये 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम के बराबर होती है, 2 मोल हाइड्रोजन कितने ग्राम बराबर होगी 4 ग्राम के बराबर, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है कितने से, 1 मोल ऑक्सीजन से। अब 1 मोल ऑक्सीजन को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है 32, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर है। यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन जब भी रिएक्शन करता है तो हमेशा 32 ग्राम ऑक्सीजन से करेगा, ये रिएक्शन बता रहा है बैलेंस रिएक्शन। जब भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यही चीज आएगी, जब यही चीज आएगी तो मोल भी उतने ही रहेंगे तो वही मास भी निकलेगा सेम। तो इसका मतलब है 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम 1 ग्राम का निकालें, देयरफॉर 1 ग्राम हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 32 अपॉन 4, यानी ये आ जाएगा 8 ग्राम ऑक्सीजन, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है, ये हमारा बैलेंस रिएक्शन बता रहा है। तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है तो 10 ग्राम हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 80 ग्राम ऑक्सीजन, यानी 10 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। मतलब ये हमारा जो डेटा दिया हुआ है कह रहा है कि 1 ग्राम कर रही है 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में 10 ग्राम हाइड्रोजन दी है तो 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना हमको ऑक्सीजन चाहिए 80 ग्राम,
80 ग्राम चाहिए। अब हमारे पास ऑक्सीजन है कितनी, केवल 10 ग्राम है। तो ऑक्सीजन अगर 10 ग्राम है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि हमको 80 चाहिए, है केवल 10, तो पूरी पूरी कंज्यूम हो जाएगी। मतलब जितना रिक्वायर्ड वैल्यू है अगर उतनी है या उससे कम है तो वो हमेशा पूरा कंज्यूम हो जाएगी, और उसी को हम लोग लिमिटिंग रिजेंट कहते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लो कि कोई बच्चा 5 रोटी खाता है लंच में, तो अगर 5 रोटी की उसको भूख है तो उसको अगर 10 रोटी रख दी जाए तो 5 ही खाएगा, बाकी 5 बच जाएगी, वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। अगर 7 रोटी दिया जाए तब भी वो 5 ही खा पाएगा, क्योंकि उसको भूख 5 ही खाता है वो डेली, ठीक है, तो यानी एक्सेस हो गई 2। लेकिन अगर 5 खाता है तो उसको अगर हम 2 रोटी देंगे तो पूरी खा जाएगा, 3 देंगे तो भी पूरी खा जाएगा, 4 देंगे तो पूरी कंज्यूम कर लेगा, 5 देंगे तो भी पूरी कंज्यूम कर लेगा, 6 देंगे तो 5 कंज्यूम करेगा, 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है, जैसे उस बच्चे के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट क्या था, 5 रोटी, तो 5 या 5 से कम अगर कुछ भी है तो पूरा कंज्यूम कर लेगा, वो 5 से ज़्यादा है तो कंज्यूम नहीं कर पाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक ऐसे यहाँ पर भी है, हम कह रहे हैं कि 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए इतने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे जो न्यूमेरिकल बोला है उसमें ऑक्सीजन केवल 10 ही ग्राम है, यानी रिक्वायर्ड जो है उससे कम वैल्यू है, इसलिए ऑक्सीजन पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और इन दिस क्वेश्चन ऑक्सीजन विल बी लिमिटिंग रिजेंट। तो यहाँ पर हियर ऑक्सीजन विल बी लिमिटिंग रिजेंट, क्योंकि पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिजेंट है, और जब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिजेंट है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम ऑक्सीजन को ही पकड़ेंगे। अब हमने हाइड्रोजन छोड़ दिया, अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। अभी तक पहले रिएक्टेंट एक ही होता था तो हम उसी से कंपेयर कर लेते हैं, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट वाले क्वेश्चन देखा, अमोनिया वाले में देखा, यहाँ पर दो दो हैं, हम इसको इसके साथ कंपेयर करें या इसको इसके साथ कंपेयर करें, तो ये बात आपका लिमिटिंग रिजेंट बताता है, और लिमिटिंग रिजेंट ही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद हम रिएक्शन में देखेंगे कि 10 ग्राम हाइड्रोजन से हमारा निकला है लिमिटिंग एजेंट कितना है, ऑक्सीजन पता चल गया लिमिटिंग एजेंट, अब हम ऑक्सीजन को ले लेंगे, ऑक्सीजन कितने मोल है, 1 मोल, और यहाँ पर कितने मोल है, 2 मोल, तो 1 मोल का मतलब कितना हुआ, 32, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल, तो 1 मोल का मतलब कितना हुआ, 2 × 18 यानी 36 ग्राम। 1 मोल वाटर का वजन होता है 18, तो 2 मोल का हो जाएगा 36 ग्राम, यानी 36 ग्राम हमको वाटर देता है। ये रिएक्शन बता रहा है, रिएक्शन में ऐसा लिखा है कि जब कभी 32 ग्राम ऑक्सीजन होगी तो 36 ग्राम आपका बन जाएगा वाटर, ऐसा रिएक्शन में लिखा हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन में ऑक्सीजन कितनी है, 10 ग्राम है केवल, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन अगर होगी तब कितना आपका मिलेगा वाटर, 36/32×10, कितने ग्राम वाटर मिल जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये 8 आ गया, और कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा, 2 5 जा, ये हो जाएगा आपका 45/4 ग्राम वाटर विल बी ऑब्टेंड। इसको डिवाइड करेंगे तो 11.25 आ जाएगा, इतने ग्राम हमको वाटर मिलेगा, ठीक बच्चों। तो ये इस तरीके से लिमिटिंग रिजेंट ढूंढा जाता है, और लिमिटिंग रिजेंट ढूंढने के बाद ही आपका प्रोडक्ट आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लिमिटिंग रिजेंट अगर हमको पता चल जाएगा तो हमको उससे पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट हमारा कितना बना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं लिमिटिंग रिजेंट पर जो बेस्ड है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर फिर समझिए क्या क्या किया गया। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जो उनके मोल लिखेंगे, मोल लिखने के बाद उसको चेंज करेंगे ग्राम में, हम डायरेक्ट मोल से भी निकाल सकते थे अगर मोल पूछा जाए तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इतने ग्राम करें इतने से, तो 1 ग्राम कितने से करेगी, फिर जितना क्वेश्चन का आएगा उससे कितने करेगी। अगर हमारी कोई चीज़ रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड से कम है तो लिमिटिंग एजेंट होता है, रिक्वायर्ड से ज़्यादा होता है तो वो एक्सेस एजेंट होता है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन हम ये कह रहे थे कि 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 90 ग्राम ऑक्सीजन, तो अब 10 ग्राम हाइड्रोजन भी चाहिए हमको 80 ग्राम, और न्यूमेरिकल में दिया है 90 ग्राम ऑक्सीजन, तो इसका मतलब 10 ग्राम ज़्यादा है रिक्वायर्ड वैल्यू से, इसका मतलब तब वहाँ पर ऑक्सीजन एक्सेस रिजेंट हो जाता है और हाइड्रोजन लिमिटिंग रिजेंट हो जाता है। लेकिन जब इस क्वेश्चन में जब दोनों में अमाउंट बराबर है तो वहाँ पर आपका लिमिटिंग रिजेंट ऑक्सीजन हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, ये
जैसे कहा जाए व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म व्हेन 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 10 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक, ये है क्वेश्चन। 28 ग्राम नाइट्रोजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन दी हुई है और हमको कितनी अमोनिया बनेगी। फिर हमको क्या करना बच्चों, रिएक्शन लिखना है, बैलेंस रिएक्शन। अमोनिया बनने के लिए हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए, दोनों को रिएक्शन करा दिया और अमोनिया बना दिया। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 3 या 6, यहाँ 3 लगा देंगे। अब ये देखिए, अब ये हमारा बैलेंस रिएक्शन बन गया। नाइट्रोजन का 1 मोल है तो हाइड्रोजन का 3 मोल है, यानी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो 2 मोल अमोनिया बनाती है। ऐसा रिएक्शन बता रहा है कि 2 मोल अमोनिया बन रही है। अब चूंकि ग्राम में लिखे हुए हैं तो 1 मोल नाइट्रोजन को अगर हम चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल 1 है, गिविंग मास हमको पता नहीं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 24 × 2 = 28, तो W बराबर हो जाएगा 28, यानी 28 ग्राम, यानी ये हो गया 28 ग्राम, यानी 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम के बराबर होगी। अब हाइड्रोजन कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल है 3, गिविंग मास 2, तो W बराबर हो जाएगा 6 ग्राम, यानी ये हो जाएगा 6 ग्राम, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 6 ग्राम हाइड्रोजन, ये दिया भाई। ठीक है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन इतने ग्राम से रिएक्ट कर रही है 6 ग्राम से। अब यहाँ पर 28 दिए भी हुआ है तो हम देखते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन दिया तो उसके लिए हमें 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन कितने दिए 10 ग्राम, यानी रिक्वायर्ड से ज्यादा है, यूज होगी रिएक्शन में 6 ग्राम। जो बैलेंस रिएक्शन वो ये बता रहा है कि अगर हमने हाइड्रोजन 28 ग्राम है हमारे पास जो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 ग्राम इस्तेमाल होगी, और अगर हाइड्रोजन 6 ग्राम है जबकि रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ 10 ग्राम हाइड्रोजन, इसका मतलब रिक्वायर्ड से ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब हाइड्रोजन इज द एक्सेस रिजल्ट। यहाँ पर नाइट्रोजन विल बी लिमिटेड रिजल्ट, हियर नाइट्रोजन विल बी लिमिटिंग रिजल्ट, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिजल्ट हो गया। तो जब नाइट्रोजन लिमिटिंग रिजल्ट हो गया तो नाइट्रोजन को हमने पकड़ा, हाइड्रोजन को इग्नोर कर दिया। अब हम ये और ये लेंगे, यहाँ पर क्या देख रहा है, एक मोल का मतलब 28 ग्राम, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल दे रहा खाली, बस एक मोल 2 ग्राम, तो ये कितना देगा, ये हो जाएगा आपका 2, यानी 17 × 2 = 34, यानी ये यहाँ पर 2 और नाइट्रोजन पूरा अमोनिया का 17 आएगा, ये हो जाएगा 34 ग्राम। इसका मतलब कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम अमोनिया देगी, 34 ग्राम अमोनिया। तो इस तरीके से हमने देखा लिमिटिंग एजेंट कौन सा है और एक्सेस एजेंट कौन सा है। नाइट्रोजन लिमिटिंग एजेंट है जबकि हाइड्रोजन एक्सेस एजेंट है बच्चों। ठीक है, तो अगली क्लास में बच्चों हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तब तक न्यूमेरिकल लगाइए आप लोग, आपको DPP में जो क्वेश्चंस मिल रहे हों उनको लगाइए, जो डाउट हो उनको पूछिए, धीमे धीमे आपको ये सब चीज़ें आती रहेंगी। जितना ज़्यादा अभ्यास करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलती रहेगी, और जो भी दिक्कत जो बात आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको आप पूछ सकते हैं हमसे दोबारा।